कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। कोई तो कहता है सत्संग करना परम धर्म है, कोई कहता है माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, कोई कहता है कथा में जाना परम धर्म है, कोई कहता है कन्यादान परम धर्म है। आखिर परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न प्रभु हमारा यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो देखते एक तरफ भैरव बाबा, एक तरफ काली मैया, एक तरफ कन्हैया, एक तरफ राम जी, आखिर हम पूजा किसकी करें। हनुमान जी की पूजा करते तो भैरव बाबा खड़े दिखते हैं, लगता है डर उनकी तो ओर दौड़ते हैं। उनकी ओर जाते तो शेर पर सिंह सवार मैया दिखती है तो देखते हैं कि ये भी गड़बड़ न कर दे, एक फूल उनको भी चढ़ा देते हैं। आखिर हम कहां जाए। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता और जिसका कोई नाम नहीं। तो जो जन्म नहीं लेता और जिसका कोई नाम नहीं, वो वसुदेव के घर में कृष्ण और दशरथ के घर में राम बन करके कैसे आया। चौथा प्रश्न प्रभु हमारा ये है कि परमात्मा के अवतार कितने हुए। कोई कहता है एक अवतार, कोई दो अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और शास्त्र तो कहते हैं हरे अनंत हरे कथा अनंता। तो आखिर भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न हमारा यह है बंधुओं कि वक्ता वो श्रेष्ठ है गुरुदेव जो बड़ी बड़ी कथाओं का सार गर्भित तरीके से श्रवण करा दे। भाई आज कलिकाल का समय है, किसी के पास समय तो ज्यादा है नहीं, 4-5 घंटे कथा का समय मिलता है, उसमें भी सोचते हैं कि कथा शुरू हो जाए 2 घंटे बाद चलेंगे लाओ। तो बोले महाराज जितने बड़े बड़े विस्तारक कथाएं हैं उनको सूक्ष्म करके माने गागर में ही सागर भर दीजिए आप और कृपा करेंगे। और छठवां प्रश्न प्रभु हमारा यह है कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके कहां चले जाते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा आपने बड़े ही मनमोहक प्रश्न किए हैं और वास्तविकता में संतों से ऐसे ही प्रश्न करने भी चाहिए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करना चाहता हूं। जैसे ही सज्जनों सुखदेव जी का नाम लिया, संत कहते हैं क्या कहा महाराज, सुखदेव जी आपके गुरुदेव हैं। बोले हाँ। बोले सुखदेव जब आपके गुरु हैं तो भगवान एक कृपा और कर दीजिए। बोले क्या। बोले हमने सुना है सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बने रहे, तो आखिर सुखदेव जी कौन हैं, कहां से आए और इनके जन्म की कथा क्या है, पहले हमें यह कथा सुना दीजिए, उसके बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। जो इतना कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं एक बार नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि भगवान के नाम का, कन्हैया के नाम का पृथ्वी पर प्रचार प्रसार नहीं है, कैसे होगा। तो इन्होंने उठाया अपना देवदत्त नामक वीणा और गुणगान करते चल दिए, नारायण नारायण गोविंद हरि, नारायण नारायण गोपाल हरि, जय जय नारायण नारायण गोविंद हरि, नारायण नारायण गोपाल हरि, जय जय नारायण नारायण गोविंद हरि, नारायण नारायण गोपाल हरि, जय जय नारायण नारायण गोविंद हरि, नारायण नारायण गोपाल हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये सब नारायण नारायण नारायण, ये सब नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण। देवदत्त नामक बीड़ा लिए नारद जी महाराज और महाराज गुणगान करते हुए गए कन्हैया के पास पहुंचे गोलोक धाम में।
भगवान कृष्ण का जो अपना धाम है उसे गोलोक धाम कहा जाता है। जैसे शंकर जी का कैलाश, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, नारायण का क्षीर सागर, राम जी का साकेत, ऐसे कन्हैया का जो धाम है उसे गोलोक धाम कहा गया है। तो गोलोक धाम में पहुंचे और जाके कहा, प्रभु आपके नाम का पृथ्वी पर कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कृपा कर दीजिए कोई सेवक जाए और प्रचार प्रसार कर दे। तो बोले कौन करेगा? तो वहां राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे। सुखदेव से कहा, बेटा सुखदेव क्या तुम पृथ्वी पर जाना चाहोगे? जो कहा कि पृथ्वी पर जाना चाहोगे, तो कहा मैया क्षमा करना, मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता। बोले क्यों, क्यों नहीं जा सकते? बोले मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं जा सकता कि आपकी जो प्रपंचमयी माया है वो मुझे घेर लेगी। और वास्तविकता में सज्जनों, इस माया से कोई बचा नहीं आज तक, माया से कोई नहीं बचा आज तक। संत तो गाते हैं, यह माया जादूगरनी, यह माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरे माया जादूगरनी, वो सब जग को रही नचाए, हरे माया जादूगरनी, वो सब जग को रही नचाए, हरे माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरे माया जादूगरनी। हो पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, भैया तो पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, भैया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, भैया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, सुख में दुख को दर्शाई, हरे माया जादूगरनी, सुख को दर्शाई, माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरे 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 माया जादूगरनी। इस माया से तो बंधु आज तक कोई नहीं बच पाया। वैसे माया का एक अर्थ कृपा भी है। छत्तीसगढ़ की भाषा में लोग कहते हैं माया, माया माने कृपा। आप कहते हो ना कि महाराज आपकी कृपा है, तो वो लोग कहते हैं आपकी माया है। और गोस्वामी जी महाराज ने एक पत्रावली में लिखा भी है, कुमया कछुहानिन औरन की, जापे जान की नाथ मया करे हैं। याद रखिएगा। तो आज कह दिया, बोले सुखदेव जी तुम जाओ तो सही। भगवान कहते हैं मैं वायदा करता हूं, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, तुम जाओ तो सही। सुखदेव जी बोले, महाराज मैंने तो कथा भी नहीं सुनी आपकी, मैं तो जानता भी नहीं, लोगों को सुनाऊंगा क्या? जो इतना कहा कि सुनाऊंगा क्या? तो नारद बाबा बोले, तुम्हें कथा सुनाने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें कथा सुनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बोले क्या प्रभु आप सुनाएंगे? बोले हम नहीं सुनाएंगे, दुनिया के जो सबसे बड़े वक्ता हैं, दुनिया के सबसे बड़े वक्ता कौन हैं? शशांक शेखर अर्धनारी नटेश्वर भूत भावन भोलेनाथ।
बंधुओं, दुनिया के सबसे बड़े वक्ता अगर कोई हैं तो भगवान शंकर हैं। इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं था संसार में। और पहले तो इन्होंने 100 करोड़ श्लोकों का एक ही ग्रंथ बनाया था, 100 करोड़ श्लोकों का। दैत्य देवता और मानवों ने आकर के कहा, महाराज इतने बड़े ग्रंथ का क्या करेंगे हम? बोले आगे कलिकाल में लोगों पे इतना समय नहीं होगा कि इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ पाए। बोले 2 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने में लगते हैं, उसे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो बोले इतने बड़े ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? तो भगवान शंकर कहते क्या करें? बोले इसका बंटवारा कर दीजिए। तो भगवान ने 33 करोड़ श्लोकों में से बोले ठीक है, हम इसका बंटवारा कर देते हैं। महाराज 100 करोड़ श्लोकों में से 33 करोड़ का बंटवारा किया, 100 करोड़ श्लोकों का एक ही ग्रंथ बनाया। एक ही ग्रंथ बनाया, 33 करोड़ का 3 जगह विभाजन किया। तैतीस करोड़ का 3 जगह विभाजन कर दिया। ध्यान देना कथा पर, इस पर कितना बचा? 1 करोड़। तो बोले महाराज अभी भी बहुत बड़ा है। तो इन्होंने फिर उस 1 करोड़ में से 33 लाख का विभाजन कर दिया। अब कितना बचा? केवल 1 लाख। तो बोले महाराज इतने बड़े का आप क्या करेंगे? तो उन्होंने 1 लाख में से फिर 33 हजार का विभाजन कर दिया। अब बचा 1 हजार। बोले महाराज तुम्हें इतने बड़े का क्या करना? शंकर जी बोले सब ले जाओगे क्या? तो उन्होंने 1 हजार में से 333 का विभाजन कर दिया। अब बंधुओं जो एक बचा, वो एक मंत्र कोई साधारण नहीं था, वो अनुष्टुप छंद मंत्र था। राम रामेत रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बरारणे। और ये 32 अक्षरीय मंत्र था। तो देवता दैत्य मानव बोले, बोले महाराज इतने बड़े का आपको क्या करना? इतने बड़े का आपको क्या करना? मतलब बोले इसमें से भी थोड़ा विभाजन कर दीजिए ना। भगवान बोले बेईमान, कहीं के सब तो ले गए, एक श्लोक भी नहीं छोड़ोगे? बोले आपको क्या करना महाराज? तो उस 32 अक्षरीय मंत्र में से भी बंधुओं 10 अक्षर का विभाजन कर दिया और केवल 2 अक्षर छोड़े शंकर जी के पास। पहला था रा और दूसरा मा। उन्होंने उसी राम नाम को हृदय में अंकित कर लिया। तो ऐसे महाज्ञानी भगवान शंकर। नारद बाबा बोले तुम्हारा प्रबंध करता हूं तुम्हें कथा सुनाने का सुखदेव। नारद जी वहां से चले और जैसे ही कैलाश पर्वत के निकट आए तो कैलाश पर्वत पर आकर के मैया पार्वती ने कहा, आओ नारद बैठ लो, नारद आओ। तो नारद जी बोले, मैया आजकल हमने हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले इसलिए कर दिया है कि अब लोगों में आपस में प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और तुम कौन हो कहां के हो हम तो जानते नहीं। स्वार्थ सिद्ध हुआ कि बस रिश्ता खत्म, समाप्त कर दिया। तो बोले नहीं, कैसी बात करते हो, हमारे घर में तो इतना प्रेम है। बोले कितना? बोले गुरुजी जो मंत्र देते हैं उसके लिए कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। बोले इस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए और ये बात याद रखें, हम जो गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं उस मंत्र को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। बताने पर हमारे मंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका असर समाप्त हो जाता है। तो बोले गुरुजी जो मंत्र देते हैं वो बताते नहीं, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो मंत्र भी मुझे बता दिया। कौन कह रहा है? मैया पार्वती। तो नारद जी वही रुक गए, बोले बन गई बात। नारद जी बोले, मैया फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आपके पति देव के गले में जो मुंडों की बाला है वो मुंड किसके हैं। अब तो मैया सर खुजलाने लगी, बोले ये तो पता ही नहीं आज तक।
ये तो मुझे मालूम ही नहीं। तो बोले नारद जी बस यही नहीं मालूम। बोले फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे जिन मुंडों की माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगाकर गले में डाल के घूमते हैं उनके बारे में तुम्हें नहीं पता? तुम धर्म पत्नी हो उनकी। एक साधारण नारी भी उसके पति के गले में अगर काला धागा पड़ा है तो ये पता रहता है कहां से लाके डाला था। और तुम्हारे पति के गले में मुंडों की माला है तुम्हें यही नहीं पता? जो इतना कहा तो कह दिया। बोले आने दो शंकर जी को। नारद जी ने अपना काम किया और चलते बने। जैसी नारद जी कैलाश से नीचे की ओर आए तो क्या देखा कि शंकर जी आ गए। भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले नारद जी और मेरे कैलाश पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो। मेरे कैलाश पर नारद जी जैसी महाराज निकल के आए मैया के पास पहुंचे भगवान शंकर तो मैया के पास पहुंच कर क्या देखा कि माता के नेत्रों में लालामी छाई है। शंकर जी ने नेत्रों की ओर देखा तो शंकर जी बोले देवी क्या बात है आज कुछ नाराज नजर आ रही हो? बोले बात मत करना आप हमसे। मैया बोली हुआ क्या ये तो बताओ। आप ऊपर से तो काले हो आपका हृदय बहुत काला है लेकिन देवी हुआ क्या ये तो बताओ। बोले आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों का हार है वो मुंड किसके हैं? जो इतना कहा कि मुंड किसके हैं। बोले देवी आपने कभी पूछा भी तो नहीं है और जब आपने पूछा नहीं तो फिर मैं कैसे बताता? आज अगर पूछती हो तो जरूर बताऊंगा। क्या कहा? बोले ये मुंड किसी और के नहीं ये मुंड तुम्हारे हैं। मेरे मुंड? बोले हाँ लेकिन प्रभु मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? बोले तुम इतनी बार संसार में आ गई हो मैं तो कभी संसार से जाता नहीं और तुम जब जब आती हो मुझसे विवाह होता है और जब जाती हो तो तुम्हारे शरीर से मुंड काट करके और तुम्हारे मुंड को अपने गले की माला में धारण कर लेता हूं। ऐसा प्रेम करने वाला कोई पति नहीं होगा जो मरने के बाद भी पत्नी के शरीर से प्रेम करे। मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई इतना प्रेमी पति मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे नारद बाबा दूसरे दिन आए नारद बाबा ने कहा मैया पता कर लिया? हाँ हाँ पता कर लिया। तुम तो खामखा झगड़ा कराना चाहते हो हमारे घर में। बोले किसके मुंड हैं? बोले वो मेरे ही तो मुंड हैं। तो बाबा बोले नारद बाबा बोले मैया एक बात बताओ भोलेनाथ तो कभी नहीं जाते और तुम्हें बार बार जाना पड़ता है इसका क्या कारण है? अब तो मैया एक चिंता समाप्त हुई दूसरी उत्पन्न हो गई। बोले ऐसा भोलेनाथ के पास क्या है? हालांकि बंधुओं सिंह महापुराण में एक वृतांत और आता है। सिंह महापुराण में ऐसा लिखा है कि कुछ मुंड तो माता के थे और कुछ मुंड जिस समय भगवान ने राहु और केतु को उत्पन्न किया था शीश काट करके दो हो गए थे उस समय चंद्रमा के पीछे राहु दौड़ रहा था तो चंद्रमा जब दौड़ने लगा तो भगवान शंकर की शरण में गया तो शंकर जी ने उठा के उसको सिर पर रख लिया तब से भगवान का नाम पड़ गया शशांक शेखर। और राहु दौड़ करके आया राहु बोला महाराज मुझे भी शरण लो मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तो उस समय भगवान शंकर जैसी राहु को उठाने के लिए झुके चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश था चंद्रमा घबराया बोले अगर ये भगवान के सर पे आ गया तो मुझे कहां जीने देगा। तो चंद्रमा जब घबराए तो अमृत की कुछ बूंदें उस मुंड पर पड़ गईं और वो अनेक मुंड हो गए। जब अनेक मुंड हो गए तो शंकर जी ने कहा एक राहु चंद्रमा को तंग कर रहा है और ये अनेक राहु संसार में रहेंगे तो क्या करेंगे? एक राहु अगर हमारी कुंडली में आ जाए हमारे ग्रह में आ जाए तो क्या करता है मालूम? राहु जिस समय हमारी राशि पर चल रहा होता है उस समय हमें लोहे से रक्त स्राव कराता है। जिस समय राहु चल रहा होगा उस समय हमारी चोट लगेगी तो लोहे से लगेगी खून निकलेगा शरीर से जिस समय राहु चल रहा होगा। तो जब हमें ये पता चल जाए किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी ज्योतिषी के द्वारा कि हमारी राशि पर राहु चल रहा है तो उस समय कुछ न करें एक नया कटोरा लें और उसमें अनाज भर लें चावल छोड़ करके कोई भी अनाज भर सकते हैं और अपने ऊपर से 7 बार उतारे अपने घर में रख लें और बुधवार के दिन उसमें से एक मुट्ठी पक्षियों को डाल दें। राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा।
छत पे पक्षियों के लिए डाल दें और एक कटोरे में पानी भर के रख दें या मिट्टी के पात्र में भर के रखें पानी। ग्रह तो बंधुओ हर व्यक्ति के ऊपर आती हैं, लेकिन छोटे छोटे उपाय से वो ग्रह टल जाते हैं। तो शंकर जी ने देखा कि अनेक राहु के मुंड हो गए, तो शंकर जी ने उन मुंडों को उठा करके भी अपने गले की माला में धारण कर लिया। ऐसा वृतांत शिव महापुराण में है। लेकिन यहां तो मैया से ये कह दिया, देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं, और जो इतना कहा कि ये तुम्हारे ही मुंड हैं, मैया बड़ी प्रसन्न। नारद जी ने पूछा कि आपने पूछा? हाँ हाँ हमने पूछ लिया, किसी और के मुंड नहीं है, वो हमारे मुंड हैं। अच्छा तुम्हारे मुंड हैं, तो भगवान तो कभी नहीं जाते, तुम्हें बार बार जाना पड़ता है। जो इतना कहा तो मैया फिर से चिंतातुर हो गई। मैया बोली तो आने दो शंकर जी। जैसे शंकर जी आए, कहा प्रभु एक बात बताएंगे? बोले हाँ पूछो। बोले ये बताओ प्रभु, आप कभी नहीं जाते और मुझे बार बार जाना पड़ता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो कहा देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले ये अमर कथा क्या है? बोले एक बार जो सच्ची भावना से सुनता है उसके आवागमन का चक्र मिट जाता है। तो मैया बोली फिर तो हमें भी सुना दो, हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले आप नहीं सुन सकती। बोले क्यों नहीं सुन सकती? हम हमें भी सुनाइए। शंकर जी से बालहट, राजहट और तीसरी लास्ट वाले दिन बताऊंगा, मैया नाराज हो जाएगी। मैया ने जब जिद करना शुरू कर दिया, हट करना प्रारंभ कर दिया, तो शंकर जी ने निकाला अपना डमरू और डमरू का निनाद किया है बंधुओं। जैसे ही पहली बार इन्होंने डमरू बजाया, डमरू बजते ही महाराज आसपास जितने पक्षी थे वो दूर भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया तो और दूर भाग गए, और तीसरी बार जब डमरू बजाया तो कोई भी पक्षी वहां नजर नहीं आया। लेकिन इतने में सुखदेव जी एक अंडाकार रूप में यहां आए थे। पहली बार जब डमरू बजा तो ये अंडा वृक्ष से नीचे गिरा, दूसरी बार जब डमरू बजा तो यही अंडा खुल गया, और तीसरी बार में सुख सावक इसमें से निकल के आ गया। मैया पार्वती से शंकर जी ने एक बात कही, देवी मैं जब कथा सुनाता हूं तो मेरे नेत्र बंद रहते हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन सुन रहा है और कौन सो रहा है, इसलिए एक बात याद रखना, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो कहा नाथ मैं हुंकारा देती रहूंगी। तो इन्होंने हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया, और जैसे हुंकारा देना प्रारंभ किया है, आहा भगवान कथा सुनाने लगे। पार्वती को अमर कथा जब और सुना रहे कैलाशपति। तीन दिन तक तो मैया ने कथा सुनी, और तीन दिन के बाद मैया को नींद आ गई। नींद क्यों आ गई? कथा में बैठ के नींद बहुत आती है। आप जब कथा में बैठेंगे तो देखना, एक बार तो ये लगेगा कि हाँ बस अब सो जाओ जाके चुपचाप, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि जब कुंभकर्ण का वध कर दिया भगवान ने, तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे वैकुंठ में अगर ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम निद्रा नहीं। राम जी बोले तुम हमारे वैकुंठ में ताला कैसे लगवाऊ? बोले जहां भी तुम्हारी कथा होगी वहां जाकर भक्तों के नेत्रों पर बैठ जाएंगी, वो सो जाएंगे तो कथा नहीं सुनेंगे, और कथा नहीं सुनेंगे तो वैकुंठ में जाएगा कौन? और वैकुंठ में जब कोई नहीं जाएगा, खाली रहेगा वैकुंठ, तो क्या होगा? ताला डालोगे कि नहीं डालोगे? तो पास में हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी बोले तुम जैसे ही आकर के बैठोगी मैं जोर से जयकारा लगा दूंगा, राघवेंद्र सरकार की जय। तो निद्रा देवी दूर भाग जाएगी। इसीलिए कथा के बीच में कीर्तन और जयकार लगाया जाता है। लेकिन यहां भगवान ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, अरे पार्वती को अमर कथा जब सुना रहे कैलाशपति, और तोता वहां पर सुन ही रहा था, सोए गई माँ पार्वती।
तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। पार्वती को अमर कथा जब सुना रहे कैलाशपति, ओ पार्वती को अमर कथा जब सुना रहे कैलाशपति, तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। माँ तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। सुनाने कथा जो शिव जी पार्वती वहाँ सोने लगी, लगे सुनाने कथा जो शिव जी पार्वती वहाँ सोने लगी। इधर में देखो तोते की वहाँ इच्छा पूर्ण होने लगी, इधर में देखो तोते की वहाँ इच्छा पूर्ण होने लगी। पूर्ण कथा जब हो गई है नींद में हो गई मात सती, पूर्ण कथा जब हो गई है नींद में हो गई मात सती, तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। शंकर ने कथा सुनाई और कथा का जब विश्राम किया और देखा क्या कि मैया तो सो रही है। शंकर जी बोले, देवी तुम सो रही हो? बोले, प्रभु मुझे तो नींद आ गई। कहां तक कथा सुनी? बोले, मैंने कथा सुनी जब आप वर्णन कर रहे थे कि प्रभु श्री राम भैया लखन और मैया जानकी गंगा को पार कर रहे नाव में। बोले, धन्य है ये कथा, तो मैंने तीसरे दिन में ही सुना दी। बोले, बस मैंने तो वहीं तक कथा सुनी। शंकर जी बोले, फिर अगर तुमने वहां तक कथा सुनी है। जगा के पूछा देवी को शिव ने, तुम बतलाओ सही मुझे। जगा के पूछा देवी को शिव ने, तुम बतलाओ सही मुझे। पार्वती महादेव से बोली, नाथ नहीं कुछ पता मुझे। पार्वती महादेव से बोली, नाथ नहीं कुछ पता मुझे। मैया बोली, मुझे नहीं पता। तो शंकर जी कहते हैं, कौन यहाँ फिर हूँ करता, कौन यहाँ फिर हूँ करता। पड़ गए बड़े अचरज में जती, तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। तोता वहाँ पर सुन ही रहा था, सोई गई माँ पार्वती। अरे सोई गई माँ पार्वती।